हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्री जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा महोत्सव है। तो ये रथ यात्रा क्या है, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं बृहत भागवतामृत में कि एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, और द्वारका में जब श्री भगवान निवास कर रहे थे, उस समय की बात है, भगवान वहाँ पर 16,108 रानियों से विवाह करे और बहुत ही सुखपूर्वक द्वारका में राजत्व कर रहे थे भगवान। तो एक समय की बात है, भगवान जो है सुबह बहुत लेट तक जगे नहीं। तो जब रुक्मणी इत्यादि पटरानियाँ देखें कि भगवान आज बहुत लेट हो गया, अभी तक नहीं उठे, तो बड़ा चिंतित हुए, क्या हो गया। तो प्रयास किए उठाने के लिए, मगर भगवान नहीं उठ रहे थे। तो ये खबर जो है रोहिणी माता को बुला के कहे कि आज भगवान श्री कृष्ण जो है आज जगे नहीं हमारे प्राणनाथ। तो रोहिणी देवी कही कि शायद ये वृंदावन के भाव में हैं, इसके लिए जो है आज कृष्ण जो है जगे नहीं हैं। तो तभी वहाँ पर और भी पटरानियाँ आए और सभी लोग बड़ा दुख प्रकाश कर रहे थे कि भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये कभी कभी रात को भी, आधे रात को भी अचानक से जग उठते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि हे राधे, हे गोपियाँ, हे ललिता, हे विशाखे, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कभी हे नंद बाबा कहते हैं, कभी हे जसोदा कहते हैं, मैया कहते हैं, कभी सुबाला, श्रीधाम, अलग अलग सखाओं का नाम लेते हैं, अलग अलग नाम। पर ये द्वारका की पटरानियों को ये पता नहीं ये कौन है, क्योंकि ना द्वारका की रानियाँ द्वारका में विवाह के बाद भगवान कृष्ण को मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले थे। पर ये सारा लीलाएँ भगवान जब वृंदावन में 11 साल रहें, उस दौरान ये सारा गोपियों के साथ, गोपों के साथ, वृंदावन वासियों के साथ अनेकों मधुर लीलाएँ किए थे, और वो चीज़ भगवान जो है भूल नहीं पा रहे थे भगवान कृष्ण। और द्वारका में भी भगवान उसको बार बार स्मरण करते थे, और कभी कभी पटरानियाँ कह रहे थे कि क्या बताएं, कभी कभी तो रात भर रोते हैं और तकिया गिल्ला हो जाती, इतना रोते हैं। कभी कभी अचानक से खड़े हो जाते हैं बिस्तर के ऊपर और बांसुरी धारण करने जैसा खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी कहते हैं यमुना मैया का नाम लेते हैं और कहीं गायों का नाम लेते हैं अलग अलग। तो ये बहुत चिंतित बात है। तो सारे पटरानियाँ सोच रही थी, ये कौन है, ये राधे कौन है, ये ललिता कौन है, ये विशाखा कौन है, ये कौन है, ये नंद बाबा, जसोदा, ये सुबाला, ये श्रीधाम कौन है करके इनका बड़ा एक जिज्ञासा था मन में। तब जो रोहिणी देवी को कहें, तो रोहिणी देवी कही, क्या बताऊँ मैं आपको, भगवान जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, कंस ने रथ भेजे, अक्रूर जी को भेजे, और जब मथुरा आए कृष्ण, तब उसके बाद वो एक बार भी वृंदावन नहीं गए। मगर भगवान कृष्ण जब वृंदावन से रथ में बैठ के आ रहे थे मथुरा, तब सारे ब्रजवासियों को, नंद जसोदा को, गोपियों को, राधा रानी को यही कह के आए थे कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, चिंता मत करिए, मैं तो बहुत कम समय के लिए जा रहा हूँ, एक दो दिन में वापस भी आ जाऊँगा। तो खैर भगवान नहीं आए थे, पर बाद में जब रोहिणी देवी वो मथुरा आए, तो कृष्ण को निवेदन किए कि रे कृष्ण, तू जसोदा को छोड़ के, नंद को छोड़ के, और बाकी अनेकों ब्रजवासियों को तो छोड़ के आया है, वो लोग आपकी याद में, आपकी विरह में खाना पीना तक छोड़ दिए हैं, वो कैसे जिएंगे अगर आप नहीं जाओगे ब्रज में, तो एक बार ज़रूर जाके उनको मिल के आना, आप बताए थे कि मैं आऊँगा जल्दी, मगर आप आए नहीं ब्रज, वृंदावन में गए नहीं आप। तो मैंने तो समझाया था, मगर कृष्ण गए नहीं वृंदावन में। हाँ, तो वहाँ पर उतने में ही बलराम जी आ गए, बलराम जी आ गए। तो बलराम जी जब देखे कृष्ण का ऐसा स्थिति, वो भी जो है वैसी भाव में, ब्रज भाव में आने लगे बलराम जी। वहाँ पर कुछ समय के बाद उद्धव जी, नारद जी आए, और नारद जी, उद्धव जी जब आए, तो ये दृश्य देखकर वो भी बड़ा आश्चर्य हुए और दुखी हुए कि कृष्ण अभी तक जो है जगे नहीं है। तो चर्चा हुई क्या किया जाए, भगवान कैसे जगेंगे। तो रोहिणी देवी कही, भगवान बिल्कुल ब्रज भाव में है, अब उनको जगाना सही नहीं है। अगर कृष्ण को अभी जगा दिया जाए तो क्या होगा, वो तुरंत उठ के ब्रज में भागेंगे, वृंदावन की ओर दौड़ेंगे। अगर मान लीजिए कृष्ण उठ के वृंदावन की ओर भागेंगे, दौड़ेंगे,
तो अगर मान लो वृंदावन में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? वृंदावन का स्थिति क्या था? वृंदावन का स्थिति बड़ा गंभीर थी। कोई भी ब्रजवासियों की शरीर में ऐसे लग रहा था कि प्राणी नहीं है। सभी कृष्ण के विरह में बिल्कुल तप्त थे, रो रहे थे, खाना पीना छोड़ दिए थे। राधा रानी तो रो रो के उनका स्थिति ही गंभीर थी। जसोदा महारानी का तो स्थिति ही गंभीर थी। ऐसे कहा गया है कि वृंदावन का स्थिति यमुना में जल नहीं उठा, जल सूख गया था कृष्ण के विरह में। हवा नहीं बहती थी कृष्ण के विरह में, कोई पंक्षियाँ नहीं बोलते थे, पेड़ सूख गए थे कृष्ण के विरह में। सिर्फ ये स्थिति हो गई थी ब्रज वृंदावन में। तो ये स्थिति में अगर कृष्ण वहाँ पहुँच जाएंगे, अगर कृष्ण देखेंगे कि ब्रज का ये स्थिति है, तो पता नहीं कृष्ण का क्या स्थिति होगी। तो इसके लिए क्या किया जाए अभी? तो तभी बलराम जी को कहें कि हे बलराम, आप वृंदावन जाइए और जाके बोले कि अभी कृष्ण आने वाले हैं। आप जब वृंदावन में खबर देंगे कृष्ण आ रहे हैं, तो तब तक कृष्ण का हम जगाएंगे। और कृष्ण जब वृंदावन पहुँचेंगे तो वृंदावनवासी एटलीस्ट तैयार रहेंगे कृष्ण को स्वागत करने के लिए। अगर ये पहुँचेंगे, वो लोग तैयार नहीं होंगे, तो क्या स्थिति होगी? तो बलराम जी कहे कि मैं क्या बताऊँ, मैं जरूर जाता, मगर एक बार मैं गया था ब्रज में, कृष्ण के आदेश लेकर मैं गया था, मगर मैं जब जाके वृंदावन में देखा वृंदावनवासियों का स्थिति, तो मुझे रहा नहीं गया। इतना दुखद स्थिति थी, सबकी शरीर में प्राण नहीं ऐसे पड़े हुए थे जहाँ तहाँ, सभी रो रहे थे, खाना पीना छोड़कर सभी एकदम दुबले पतले हो गए थे, किसी के शरीर में प्राण नहीं। तो मैं तुरंत जब द्वारका आया, तो मैं ब्रजवासियों को उस समय वृंदावन में प्रॉमिस किया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कृष्ण आप लोग को याद करते हैं और मैं जाके तुरंत कृष्ण को भेजूंगा, वो वृंदावन में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। तो मैं वचन दे के आया और कृष्ण को जब आके कहा, अरे कृष्ण जल्दी से तू जा, क्योंकि ना ब्रजवासी तेरे विरह में बिल्कुल दग्धीभूत हुए हैं, तो आप जल्दी जाके उनको मिलिए। पर मेरे बात कृष्ण एक का एक नहीं सुने। तो मैं अभी वापस किस मुंह में जाऊंगा ब्रज में बोलने के लिए कि कृष्ण आ रहे हैं करके, आप बताइए। तो मेरे बात क्या कोई विश्वास करेंगे? क्योंकि ना मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं कृष्ण को भेज रहा हूँ करके, कृष्ण जल्दी आएंगे, मगर गए नहीं। अब मैं वापस जाके बोलूँगा तो कौन विश्वास करेगा? एक बार कोई विश्वास करेगा, दोबारा कैसे विश्वास करेंगे? तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए अभी? तो सब लोग ने बोले, उद्धव जी आप जाइए ब्रज में, आप जाके ब्रजवासियों को बताइए कि कृष्ण अभी आ रहे हैं, तो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप कृष्ण के बहुत करीब घनिष्ठ मित्र हैं। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे रोहिणी मैया, हे माताएं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जरूर जाता वृंदावन, मगर मैं भी एक बार कृष्ण के आदेश लेकर वृंदावन गया था। कृष्ण बोले, जाके ब्रजवासियों को समझाओ। समझा क्या हो? मैं जब वृंदावन में गया ब्रजवासियों को समझाने के लिए, उनका स्थिति देखकर मेरा हृदय टूट गई है, मेरा हृदय फट गई है। मैं क्या ज्ञान देता उनको? उन लोग का जो कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर मैं सोचा, इनको क्या ज्ञान दूं, ये ऐसे ही परम ज्ञानी है ब्रजवासी, उनको अलग से ज्ञान देने का क्या जरूरत है। तो उस समय मैंने ब्रजवासियों को ये सांत्वना दिया था कि आप चिंता मत करिए, मैं जाकर जो है कृष्ण को जल्दी से वापस भेजूंगा, वृंदावन आएंगे आपसे मिलने। मगर मैं क्या बताऊं, हे रोहिणी मैया, मैं आके बोला कि कृष्ण आपको जल्दी जाना चाहिए ब्रज में, क्योंकि ना ब्रज का स्थिति सही नहीं है अभी, आपकी विरह में वहाँ स्थिति गंभीर है। पर मेरा बात नहीं सुने कृष्ण, कृष्ण गए नहीं ब्रज में। अगर मैं वापस जाऊंगा वृंदावन, अगर बोलूंगा कृष्ण आने वाले हैं, तो कौन सुनेगा मेरे बात? मेरा बात भी कोई नहीं सुनेगा। तब तक बड़ा चिंता अवस्था था सबका, कौन जाएंगे अभी ब्रज में बोलने के लिए कृष्ण आने वाले हैं करके, और कृष्ण अभी सोए हुए थे, है कि नहीं है? तो तब क्या हुआ, तब जो है सुभद्रा जी, जो छोटी बहन थी कृष्ण बलराम की, वो वहाँ पर आके कही, आप चिंता मत करिए, मैं जाऊँगी वृंदावन में, मैं जाके बोलूँगी सबको कि मेरे भाई कृष्ण आ रहे हैं पीछे, और मैं एक स्त्री जात की हूँ, अगर मैं जाके जसोदा की गोद में बैठ के बोलूँगी कि मैया आप चिंता मत करिए, भैया आ रहे हैं अभी, तो ज़रूर विश्वास करेगी मेरे बात, और मैं राधा रानी को भी मिलूंगी, और मैं ललिता विशाखा को मिलूंगी, सबको मिलके ये बताऊंगी कृष्ण पीछे आ रहे हैं, मैं पहले आगे आ गया बताने के लिए, तो सभी विश्वास करेंगे, तो इसलिए चिंता मत करिए। तब ये फाइनल हो गया, सब लोग बोले हाँ ये सही रहेगा अगर सुभद्रा जाएगी तो। पर सुभद्रा को क्या अकेले भेज सकेंगे? ये जो है लाडली बहन थी कृष्ण बलराम की। तो तब बलराम जी कहे, ठीक है मैं सुभद्रा जी के साथ जाऊँगा, सुभद्रा आगे रहेगी, और सुभद्रा पहले जाएगी और वो खबर देगी।
तो मैं जाऊंगा सुभद्रा के साथ। तो क्या हुआ, ठीक है अभी डिसाइड हो गई, बलराम जी साथ में जाएंगे सुभद्रा जी के। पर बलराम जी क्या किए, बोले कि मैं आगे रहूंगा, सुभद्रा पीछे रहेगी, मैं आगे उसको प्रोटेक्ट देके उनको रास्ता बताऊंगा ब्रज का। तो ये डिसाइड हो गए। तो कैसे जाएंगे, अब रथ बनाया जाए। तो अभी रथ बनाया गया, कितना रथ बनाया गया, 3 रथ बनाया गया, एक जगन्नाथ जी के लिए रथ बनाया गया, एक बलदेव जी के लिए रथ बनाया गया और एक सुभद्रा जी के लिए रथ बनाया गया। जो जगन्नाथ जी का रथ है उस रथ का नाम है नंदी घोष, और जो बलदेव जी का रथ बनाया गया उसका नाम है तालध्वज, और जो सुभद्रा जी का रथ बनाया गया उसका नाम है देवदलन। ऐसे 3 नाम से 3 रथ बनाया गया। तो जो बलदेव जी का रथ था उसमें बलदेव जी को विराजमान कराया गया, बलदेव जी आगे आगे चले, उसके पीछे सुभद्रा जी चलने लगी। उसके बाद कृष्ण को अभी जगाना था, है कि नहीं, तो कैसे जगाए, नारद जी को कहे, नारद जी आप ब्रज की महिमा को गान करिए अपनी वीणा बजाकर, जब ब्रज की महिमा सुनेंगे कृष्ण तुरंत उठेंगे और उठ के ब्रज की ओर जाएंगे। तो नारद जी क्या किए, अपनी वीणा बजाते हुए ब्रज की सुंदर महिमा बतलाए, ओ यमुना महारानी की महिमा बतलाने लगे, गाने लगे, ब्रजवासियों का महिमा, ब्रज की रज की महिमा, ब्रज की पेड़ों की महिमा, पौधों की महिमा, गायों की महिमा, मोरों की महिमा, कोयलों की महिमा, अद्भुत वर्णन करने लगे। जब ये गान सुने कृष्ण तुरंत जग गए, खड़े हो गए, बोले कि कहाँ है मेरे राधे, कहाँ है मेरे मैया जसोदा, उठ के बार बार बोलने लगे, कहाँ, मैं वृंदावन में हूँ, ये वृंदावन है, कहाँ है यमुना, किधर है यमुना, किधर है। फिर देखें वहाँ पर नारद जी थे, बोले नारद जी आप वृंदावन में कब आए, क्योंकि ना कृष्ण उस समय बिल्कुल वृंदावन के भाव में थे, नारद जी आप कब आए वृंदावन। फिर उनको उस बाजू में उद्धव को देखे, उद्धव आप कब आए वृंदावन, क्या ये वृंदावन नहीं है, मैं क्या गलत जगह पे हूँ, ये वृंदावन नहीं है। तो तब बोले कि अरे कृष्ण आप वृंदावन में जाने वाले हो ना, हाँ आप तो यही आपका प्लानिंग था ना वृंदावन जाएंगे करके, बोले हाँ मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, ना ठीक है आप चलिए वृंदावन। तो कृष्ण को बड़े आराम से सभी लोग पकड़कर धीरे 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 उनको रथ के और लेके आया गया, लेके आके रथ के ऊपर बिठाया गया। तो ये उत्सव जो है ना कृष्ण को यानी लेके रथ में बिठाना, मंदिर से रथ में बिठाया जाता है, उस उत्सव को पहंडी विजय कहा गया है, जिसको हम पांडु विजय भी कहते हैं, पहंडी विजय। तो कृष्ण को बड़े आराम से, क्योंकि ना कृष्ण ब्रजभाव में थे, वो बिल्कुल बाहरी चेतना में थे नहीं, तो ब्रज की भाव में थे, तो एक होता है ना मदमस्त जैसे थे, तो उनको बड़े आराम से हिला डुला के आराम से उनको लेके रथ में बिठाया गया। वैसी स्थिति थी बलराम जी का, क्योंकि ना बलराम जी ब्रज में जाने वाले थे, और सुभद्रा जी का भी ऐसा ही स्थिति था, वो भी ब्रज में जाने वाली थी, ब्रज का भाव में थे। तो कृष्ण आकर जो है रथ में बैठे, फिर रथ अब चालू हुआ, तो रथ चलते हुए गया। तो आगे चले बलभद्र मध्य चंद मुहिरे, पछे आसुची कालिया गहल लगाई रे। एक भक्त साल्वेक जी ये भजन को गाते हैं कि आगे आगे बलदेव जी जा रहे हैं, बीच में सुभद्रा जी, चांद मुही, चांद जैसा जिसका मुखड़ा सुभद्रा जी थी, वो भी जा रही है, और पीछे पत्थर आसुची जगह गोहड़ लगाई रे। भगवान जगन्नाथ जी पीछे बड़ा भीड़ लगाकर, भीड़ जमाकर रथ चल रहा है। तो कृष्ण अभी चलते 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 रथ कहाँ पहुँचा, ब्रज में पहुँचा। मगर हुआ क्या, जब बलराम जी सुभद्रा जी ब्रज में पहुँचे, ब्रज का स्थिति देखकर वो लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुभद्रा जी तो पहली बार ब्रज में गई हैं, हाँ बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब ब्रज का स्थिति देखे, ऐसा जीर्ण शीर्ण था ब्रज, हाँ ब्रजवासियों का स्थिति देखे, ब्रज की स्थिति देखे, गायों का स्थिति देखे, तो उनके आँख बड़ा होने लगा, उनके हाथ अंदर जाने लगा, हाँ उनके होंठ बड़ा होने लगा, मुँह उनका कान गायब हो गया, उनके चरण अंदर चला गया, और बिल्कुल जो है बलदेव जी, बलराम जी बलदेव बन गए, और सुभद्रा जी को बिल्कुल उनका हाथ बिल्कुल अंदर चले गया। आप देखे होंगे जो कछुआ होता है तो कैसे अपने हाथ को, अपने मुंह को, अपने पैरों को अंदर ले लेता है, वैसा स्थिति हो गई हाँ इन दोनों का, और वही खड़े रह गए ब्रज में पहुंच के, वैसे ही खड़े हो गए हाँ। और अभी तो खबर दिए भी नहीं ब्रजवासियों, कृष्ण आने वाले हैं करके। जब कृष्ण वहां पर पहुंचे तो क्या स्थिति हुआ, जब कृष्ण पहुंचते ही ब्रज में क्या हुआ, सारा ब्रज का स्थिति ही चेंज हो गया, सारे पेड़ों में अपने आप पत्ते आने लगे, फूल आने लगा, फल आने लगा, जमुना में जल भर गया अपने आप, हवा सुंदर चलने लगा, मोर बोलने लगा, कोयल बोलने लगा, और ब्रजवासियां सब आनंदित हो गए, बिल्कुल स्थिति चेंज हो गई, जो जीर्ण शीर्ण ब्रज था वो बिल्कुल हरा भरा ब्रज हो गया, कृष्ण के आगमन से ही, उनकी उपस्थिति में ही। और जब कृष्ण जो है
हाँ, निधि वन के पास पहुँचे राधा रानी उस कुंज के अंदर जो है ऐसे ही लेटी हुई थी और ललिता की गोद में उनका सर रख के लेटी हुई थी श्रीमती राधा रानी, जैसे कि प्राणी नहीं है। राधा रानी का स्थिति ऐसा था, बार बार बीच बीच में गोपियाँ क्या करते, राधा रानी की नाक में रुई डाल के देख चेक करते थे कि प्राण है कि नहीं, अभी सांस चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा स्थिति थी राधा रानी का कृष्ण की विरह में। तो क्या हुआ, जब कृष्ण पहुँचे निधिवन के बाद, तो कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके जो हवा गया और राधा रानी के शरीर में स्पर्श हुआ, तुरंत राधा रानी खड़े हो गई। जो राधा रानी कई समय से लेटी हुई थी वो खड़े हो गई, बोली कहाँ मेरे प्राणनाथ, कृष्ण आ गए करके। तो सारे गोपियाँ भी बहुत आश्चर्य के, कृष्ण आ गए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तब वहाँ पर जो है ललिता विशाखा को राधा रानी कही कि जाइए, कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण को बताइए। तो ललिता विशाखा आके कृष्ण को बताए, जब कृष्ण को बताए कि राधा रानी के बारे में, कृष्ण आश्चर्य हो गए। हाँ, और राधा को सोच सोच के, राधा रानी को कृष्ण का हाथ भी अंदर जाने लगा, उनका आँख भी बड़ा होने लगा, उनका मुंह भी बड़ा होने लगा, उनके चरण अंदर चला गया, वो कृष्ण जो है जगन्नाथ जी का स्वरूप हो गए, बलदेव जी बलराम जी के स्वरूप, बलराम जी बलदेव जी के स्वरूप हो गए, और सुभद्रा जी का स्वरूप। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये स्वरूप ब्रज की भाव में ये स्वरूप हुआ। तो कृष्ण जो है राधा रानी की विरह में जगन्नाथ जी बन गए, उसको कहते हैं राधा विरह विदुर, वही कृष्ण है जगन्नाथ जी के रूप में, वो इस प्रकार से रूप धारण किए। तो अब जब जगन्नाथ जी को यानी कृष्ण को राधा रानी मिली, वो सुंदर मिलन था राधा कृष्ण का। तो वही ये जो उत्सव था द्वारका से वृंदावन तक आना, इसको रथ यात्रा कहा गया है। कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों रथ में बैठकर जो है वृंदावन में पहुँचे। और ऐसे जगन्नाथपुरी में यही विधि है कि जो भगवान का शिव मंदिर है जगन्नाथ मंदिर में, उसको नीलाचल धाम कहते हैं, है कि नहीं है, उसको श्री मंदिर कहा गया है। वो कैसा है, द्वारका है, वहाँ ऐश्वर्य है, द्वारका है। और वहाँ से भगवान कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन कौन सा है, वो गुंडीचा मंदिर है, वो वृंदावन माना गया है। तो भगवान द्वारका से निकल के कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। और वहाँ पुरी में गुंडीचा मंदिर जब पहुँचते हैं, वो गुंडीचा देवी भगवान की माँ है, माँ यानी भगवान को बेटा बनाई थी, वो इंद्रद्युम्न महाराज जी की पत्नी थी। वो कृष्ण को बोले कि मैं आपको सेवा करना चाहती हूँ। तो कृष्ण बोले आप मेरे माँ हैं, आप मुझे सेवा कर सकते हैं। बोले कैसे, आप तो रोज़ लक्ष्मी जी के हाथ की बना हुआ खाते हैं। बोले कोई बात नहीं, साल में हम 9 दिन के लिए आएंगे, आपके हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। तो आज भी वो प्रथा है, भगवान ने जो है गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वहाँ 9 दिन रहते हैं, उनके माँ के हाथ का सारा पकवान खाते हैं, 9 दिन के बाद वापस रिटर्न रथ यात्रा होती है, जिसको बाहुड़ा यात्रा कहा गया है। तो रिटर्न रथ यात्रा के दौरान वापस कहाँ जाते हैं, द्वारका आ जाते हैं। तो ये द्वारका से वृंदावन का यात्रा को रथ यात्रा कहा गया है। हरे कृष्णा।